उसके दौरान जो आपको प्रेशर आता है, जो इमोशन हावी हो जाते हैं आपको कि यार होगा नहीं होगा, उम्मीद लगाए बैठे हैं फैमिली वाले, साथ ही पड़ोसी वाले भी ताक झाक में रहते हैं, तो क्या इमोशन चल रहा होता है? BHU में चला गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर कई आईएसओ से मिलना हुआ, वो लोग आते थे क्लास व्लास लेने के लिए। हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है कि ये कोई स्ट्रेटजी या टॉपर टॉक्स की वीडियोस नहीं है, बल्कि एस्पिरेंट जो यूपी एस्पिरेंट है उनके प्रिपरेशन के पीछे वो कौन सा मोटिवेशन काम करता है जो UPSC जैसे इतनी लंबी जर्नी को वो आसान बना देता है। इसी सीरीज में मेरे साथ एक भाई हैं जो कि UPSC एस्पिरेंट हैं, उनसे जानेंगे कि उनको कब ऐसा लगा कि IAS उनको बनना चाहिए, और साथ ही या फिर IAS की जर्नी में वो कैसे आए, कहाँ से इंस्पायर हुए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका नाम? थैंक यू, शिवशंकर पांडे मेरा नाम है। एस्पिरेंट के बीच में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पीछे वो कौन से इमोशन काम कर रहे हैं, आपको कब लगा कि पहले तो IAS आपको बनना है? वो क्या है कि वो घर पर, मेरे घर के ठीक बगल में एक लोग थे जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, वो सिलेक्शन भी पा गए थे UPSC के थ्रू, तो उनको देख के ये लगा कि नहीं यार मुझे भी करना चाहिए। और मेरे एक सीनियर थे जो मुझे बार बार कह रहे थे कि नहीं यार आओ इसमें तैयारी करो, अच्छी तैयारी है। फिर जब मैं BHU में चला गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर कई IAS से मिलना हुआ, वो लोग आते थे क्लास व्लास लेने के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं यार करना चाहिए। फिर वहीं से मैं 2015 से मैं डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे करना है, इधर ही करना है। सर, थोड़ा बात करेंगे, जब आप दिल्ली आ गए आपने देखा होगा कि आप न्यूबी थे, न्यू कमर आप थे, उससे पहले 3-4 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट से भी आप मिले होंगे एस्पिरेंट से, तो फिर वो चीज़ें मैनेज कैसे किया, वो प्रेशर कैसे, और वो जो हावी हो गया आपके ऊपर वो डिप्रेशन वगैरह, वो कैसे आपने हैंडल? यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ कोचिंग डिसाइड करना, किस कोचिंग में एडमिशन लें, कौन सा कोचिंग अच्छा है, किस कोचिंग कौन सी फैकल्टी अच्छी है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। फिर मैं फिर देखा यहाँ पर आने के बाद GS वर्ल्ड था, उसमें मणिकांत सिंह, जो कि मैं पहले से नाम सुनाता हूँ कि मणिकांत सिंह बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, रामेश्वर सर हैं, आलोक रंजन सर हैं, तो फिर मैं सोचा कि यहीं पर ये सही कोचिंग है। फिर मैं GS वर्ल्ड में एडमिशन लिया और GS वर्ल्ड अच्छी रही, अब तो मतलब उसके टीचर निकल गए हैं, लेकिन कोचिंग बहुत अच्छी थी उस समय, फैकल्टी अच्छी थी। ठीक है, बात आते हैं आपके फैमिली के ऊपर थोड़ा। क्या लगता है आपको आपके प्रिपरेशन के दौरान फैमिली का रोल क्या है आपकी लाइफ? बहुत ज़्यादा फैमिली का रोल। पापा मेरे बड़े भैया हमेशा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने देते हैं, और हमेशा वो यही चाहते हैं कि नहीं तुम सिलेक्शन पा के आओ, कुछ भी करना है, क्योंकि फैमिली की देखो सपोर्ट जब तक नहीं है तब आप नहीं कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर फैमिली का थोड़ा सा भी आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, तो आप इंसान क्या होता है, टूट जाता है, फिर तैयारी अच्छे से नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है, तो फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कितना सपोर्ट कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से। तो मेरी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। आपके डेली रूटीन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। डेली रूटीन जैसे एस्पिरेंट को 8-10 घंटे लोग देते हैं स्टडी को, उसके दौरान जो आपको प्रेशर आता है, जो इमोशन हावी हो जाते हैं आपको कि यार होगा नहीं होगा, उम्मीद लगाए बैठे हैं फैमिली वाले, साथ ही पड़ोसी वाले भी ताक झाक में रहते हैं, तो क्या इमोशन चल रहा होता है आफ्टर, मतलब प्रिपरेशन के दौरान? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि देखिए हम लोग 9 बजे जो है सुबह में उठते हैं और लाइब्रेरी आ जाते हैं, और फिर रात को 1 से 1.5 के बीच में जाते हैं, फिर यहीं वर्धमान में सारा खाना पीना सब कुछ होता है, तो अधिक से अधिक कोशिश यही करते हैं कि अधिक से अधिक पढ़ाई को समय दें, और जितना अधिक से हो सकता है पढ़ाई देते हैं, लाइब्रेरी में सारा दिन रहते हैं, तो रूम पर भी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, एक माहौल रहता है पढ़ने का, सारे लड़के पढ़ते रहते हैं, तो देख के लगता है कि नहीं यार पढ़ाई कर। हाँ नहीं देखो क्या है ना कि जब एग्ज़ाम टाइम आता है ना, तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्रेशर में क्या होता है कि फिर हम ना अच्छे से नींद भी नहीं ले पाते हैं, सुबह में उठते हैं तो ये होता है कि यार जल्दी जल्दी भागे, तो क्या होता है कि 4-7 घंटे की नींद, 4-3 घंटे, कभी 4 घंटे भी पूरे नहीं हो पाते, तो कभी कभी नींद आती है, तो फिर अब क्या करना होता है, फिर या तो सो लेते हैं, थोड़ा पावर नैप ले लेते हैं, पानी मार मार के झकते हैं, या टॉफी वगैरह खा लेते हैं, यही करते हैं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है थोड़ा। बात आती है थोड़ी पैसे की, मैं बात करना चाहूँगा, मान लीजिए कभी अगर कम पैसे आते हैं घर से और दिक्कत हो रहा होता तो फिर कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि रूम रेंट देना, खाना, बाहर घूमने का खर्चा, कॉपी के साथ रूम रेंट यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और साथ में खाने का थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, कुछ दोस्तों से बात कर लिए, किसी से ले लिया, ऐसे कभी तो कम नहीं होता है, लेकिन जब कम हो जाए, किसी महीने में प्रॉब्लम हो गई, तो उस महीने में दोस्तों से थोड़ा हेल्प ले लेते हैं। कि कौन सा देना है? मेरा इस बार दूसरा अटेम्प्ट UPSC में, इस बार UPSC में दूसरा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।